Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see very important defense current affairs for your all competitive examinations, whichever examination you are going to appear for. पिछली क्लासेस में हमने मई जून और जुलाई की मंथली जो भी डिफेंस करंट अफेयर्स थी उन सभी का निचोड़ देखा था. आज हम अप्रैल मंथ की जो भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उन सभी का हम निचोड़ देखेंगे. राइट, सो वट एवर पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. और ये जो भी डिफेंस करंट अफेयर्स हैं ये आपके ओनली रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके SSB इंटरव्यू और UPSC के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए देखते हैं. सबसे पहली न्यूज देखो क्या है, वुमेन ऑफिसर्स इन आर्टिलरी रेजिमेंट. देखो, अब से पहले आर्टिलरी रेजिमेंट में वुमेन ऑफिसर्स नहीं थी, वुमेन नहीं थी. राइट, अब देखो ये डिसीजन लिया गया है कि इस बार से आर्टिलरी रेजिमेंट में वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जाएगा. ओके, और इस बार OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से जो बैच पास आउट होगा वुमेन ऑफिसर्स का, उनमें से हम इसमें वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट करेंगे इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी. आर्टिलरी का मतलब आपको पता ही होगा, तोप खाना. ओके, तोप से रिलेटेड. देखो आर्टिलरी का कारगिल वॉर में काफी बड़ा रोल था, तो देखो ये हम पहली बार करने जा रहे हैं, पहली बार हम वुमेन ऑफिसर्स को आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडक्ट करने जा रहे हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं. नेक्स्ट इज नागास्त्र 1. देखो ये एक UAV है, अनमैंड एरियल व्हीकल. ओके, और ये इंडिजीनियसली बिल्ट है. इसको देखो सिंपल भाषा में बोले तो ये एक सुसाइड ड्रोन है. राइट, अब सुसाइड ड्रोन क्या होता है, माना कि हमको कोई टारगेट हिट करना, जैसे कि हमको कोई स्ट्राइक करनी है, जैसे हमने की थी पाकिस्तान में जाके की थी, जो वहाँ पर टेररिस्ट थे उनके ठिकाने पर हमको कोई स्ट्राइक करनी थी, तो वहाँ पर हम खुद जाने की बजाय ये ड्रोन भेजेंगे. ये ड्रोन क्या करेगा, वहाँ पर अपने टारगेट को हिट करेगा और वहाँ पर इसमें ब्लास्ट हो जाएगा. ब्लास्ट के साथ में वहाँ पर टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. राइट, और देखो ये कंप्लीटली इंडिजीनियस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये इंडिजीनियसली बिल्ट है और इसको डिजाइन किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है. अभी फिलहाल में, अभी स्टार्टिंग में हमने 450 यूनिट्स का ऑर्डर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 450 यूनिट्स का अभी इनिशियल ऑर्डर दिया है इसके लिए. ये देखो बहुत ही काम की चीज़ है. अब से पहले हम ये ड्रोन्स के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहते थे, जैसे कि इसराइल से ही हम ज़्यादातर UAVs यानी कि अनमैंड एरियल व्हीकल्स को परचेज करते हैं, और कारगिल वॉर में उनका काफ़ी बड़ा रोल था, जैसे कि हेरोन, हार्पी एट्सेट्रा, ये सभी ड्रोन्स हमने इसराइल से लिए हुए हैं. तो ये है हमारा इंडिजीनियसली बिल्ट, क्या है इसका नाम, नागास्त्र 1. ओके, आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो चीज़ पहली बार होती जा रही हैं, जिन चीज़ों को हम अदर कंट्रीज से ले रहे थे और अब हम उनको खुद बना रहे हैं, तो देखो वो सारी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं और ये मेक इन इंडिया का पार्ट है. इससे हमारी जो मेक इन इंडिया ड्राइव है उसको बूस्ट मिलेगा. राइट, यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट इज लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम. देखो ये है एक फायर कंट्रोल सिस्टम और इसको हम स्पेशली इंडियन नेवी में इस्तेमाल करेंगे. राइट, ये भी इंडिजीनियसली बिल्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखो इसका रोल क्या होता है कि ये एयर में और सरफेस पर जो टारगेट्स होते हैं उनको मॉनिटर करता रहता है. ठीक है, प्रिसाइजली उनको मॉनिटर करता है और उनको डिटेक्ट करके इंगेज करता है विद ग्रेटर एक्यूरेसी. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. ये क्या है, देखो जो हमारे इंडियन नेवी के जो वॉरशिप्स होंगे वहाँ पर इसको लगाया जाएगा, तो वहां पर इसका रोल है. ये क्या करेगा, पानी की सतह पर और हवा में जो भी टारगेट होंगे ये उनको बहुत ही सटीकता और गहराई के साथ में मॉनिटर करेगा, फाइंड आउट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा. ठीक है, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होगी, इंडिजीनियसली बिल्ट है. अभी हमने स्टार्टिंग में 13 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 13 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है. किस कंपनी को दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. राइट, ये कंपनी इसको बना रही है. ओके, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट इज ओरियन वॉर गेम. देखो ओरियन वॉर गेम ये एक तरीके से एक एक्सरसाइज है जो कि फ्रांस के द्वारा होस्ट की जा रही है और ये एक मल्टीनेशनल वॉर गेम है. राइट, इसमें देखो क्या होगा, सिमुलेटेड वॉर सिनेरियो में हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम टेस्ट करेंगे. राइट, ये एक तरीके से एक्सरसाइज ही है और इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. ये एयरफोर्स की एक तरीके से एक्सरसाइज है, क्या नाम है इसका, वॉर गेम, ओरियन वॉर गेम, और ये एक मल्टीनेशनल वॉर गेम है. इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो हमारी वेस्टर्न कमांड है उसकी गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. ये पॉइंट्स देखो आपको पता होने चाहिए, वेस्टर्न कमांड की कौन सी स्क्वाड्रन, गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के
बताओ कि हमारी वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है, कौन से शहर में है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है और आपके SSB इंटरव्यूज में भी ये पूछी जाती है। क्या है इसका नाम? ओरियन वॉर गेम, होस्ट कर रहा है फ्रांस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज सिलाइनेक्स 2023। देखो ये श्रीलंका और इंडियन नेवी के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि इस बार 3 से 6 अप्रैल 2023 तक श्रीलंका के कोलंबो में कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका 10वां एडिशन था। ओके देखो इसका जो नाम है ये याद करना काफ़ी सिंपल है, इनके कंट्रीज़ के नाम से ही इसको बनाया गया है। देखो SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज, राइट। तो सिलाइनेक्स मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ओके 2023 की कहाँ पर? श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में। ओके और देखो मैं ये जो भी मंथली डिफेंस करंट अफेयर्स करा रहा हूँ इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऐप और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज कोप इंडिया एक्सरसाइज। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि इंडिया सबसे ज़्यादा USA के साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। उसकी वजह यह है कि भाई हमको USA की ज़रूरत है, USA को भी हमारी ज़रूरत है और हमको चाइनीज़ एग्रेशन को काउंटर करने के लिए USA की काफ़ी ज़रूरत है और डिफेंस के फील्ड में USA और इंडिया के बीच में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है, काफ़ी क्लोजनेस है। ये एक्सरसाइज इस बार 2023 में 10 से 21 अप्रैल तक वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा में कंडक्ट कराई गई थी, राइट। आपको देखो पता होना चाहिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज इनियोचोस 2023। देखो ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी जो कि ग्रीक के द्वारा होस्ट की जा रही है। ग्रीक एयरफोर्स इसको होस्ट कर रही है जो कि 24 अप्रैल से 4 मई 2023 तक ग्रीक के एंड्राविडा एयरवेज पर कंडक्ट कराई गई थी। ओके इंडिया की तरफ से 4 Sukhoi 30 Mark 1 और 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके C-17 ग्लोब मास्टर क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और Sukhoi 30 Mark 1 क्या है? ये हमारा एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। देखो राफेल के आने से पहले यही हमारी इंडियन एयरफोर्स का सबसे मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था, फाइटर एयरक्राफ्ट था, राइट। लेकिन अब राफेल है। ये Sukhoi 30 Mark 1 हमने रशिया से लिया था, ओके, और ये C-17 ग्लोब मास्टर ये हमने अमेरिका से लिया था। देखो ये आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, राइट। देखो इंडियन आर्मी के कमांडर्स की एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी अब हर साल में 2 बार, ओके, यानी कि हर 6 महीने पर एक जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। इसमें देखो क्या हुआ करेगा कि सिक्योरिटी और उसके अलावा जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो भी क्रिटिकल मैटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ करेगा और स्ट्रेटजी और प्लानिंग और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड डिसीजंस लिया करेंगे। ओके ये पहली बार हो रहा है, राइट। देखो ये इसी बार इनॉग्रेट हुआ है, पहली बार हो रहा है और इसका फर्स्ट एडिशन 17 से 21 अप्रैल 2023 तक कंडक्ट कराया गया था। ओके तो देखो ये हैं आपके अप्रैल 2023 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स का निचोड़। इस महीने में कम ही डिफेंस करंट अफेयर्स हैं तो ये जो भी हमने अभी तक कवर करी हैं ये सारी पूरे अप्रैल मंथ की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स का निचोड़ है। ओके आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये अच्छे लगे हों, समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसे लगे हैं और हमको ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ओके तो देखो इसी तरीके की और क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। ओके चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, गिव योर बेस्ट एंड डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर SSB इंटरव्यूज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।